हेलो क्लास 9। टुडे वी आर लर्निंग अबाउट द लेटर, इनफॉर्मल लेटर राइटिंग। व्हाट इज डेट टुडे एंड डे सैटरडे। ओके, लेट्स बिगिन। इनफॉर्मल लेटर राइटिंग कैसे लिखते हैं? सपोज यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, यू हैव टू राइट योर आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? यू आर राहुल, मतलब आपका नाम आपका नहीं माना जाएगा। यू हैव टू राइट योर नेम अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो सपोज यू आर राहुल, जैसे हम लोग कहते हैं ना, माना कि संख्या ऐसी है, वैसे पढ़ते ना, तो आपको नाम क्या कर दिया इसमें? राहुल। रिसाइडिंग एट 432/4, ये क्या है? आपके घर का एड्रेस बता रही है, ठीक है। बिहाइंड गवर्नमेंट हॉस्पिटल भिंड, भिंड में आपका घर कहाँ पे है? गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, उसके पीछे है, जो कि और नंबर जो हाउस नंबर होता है ना, वो क्या है? 432/4। राइट अ लेटर, अब लिखना क्या है, इन्होंने क्वेश्चन किया है, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड, अपने दोस्त को क्या लिख रहे हैं भाई? लिखना हम कहते हैं कि अभी लिखना नहीं है किसी को, समझ रहे हैं? बहुत अच्छे समझ रहे हैं कि भाई ये आपको अभी लर्न होना चाहिए, जैसे हम लोग लर्न करते हैं, ठीक है। अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम, उसको क्या करना है? इनवाइट करना है, इनवाइट मतलब बुलाना है, ठीक है। इनवाइटिंग हिम टू अटेंड योर सिस्टर्स मैरिज सेरेमनी, भाई आपकी सिस्टर की मैरिज है, ये नहीं बताया, सिस्टर छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, तो आपको ध्यान ये रखना है कि आपको लॉजिक यूज करना है। आपकी सिस्टर बड़ी होगी तब तो शादी होगी, आप अपनी मतलब छोटी भी हो सकती है अगर आपकी हो चुकी है तो। सपोज अब आंसर क्या करेंगे, इस आपका नाम क्या गिवन है? राहुल। और ये क्या लिखा है, आप पहचानिए ये चीज क्या लिखी हुई है यहाँ? किसका एड्रेस है? हाँ, ये देखिए आपका ही एड्रेस है, तो फिर आप बताओ, लेटर लिख रहे हैं तो आपको उसका एड्रेस लिखना है कि अपना लिखना है? अपना। उसका तो लेटर के ऊपर होगा, उसका लेटर के ऊपर होगा, अंदर भी स्टार्ट करो, क्योंकि सपोज अगर वो चाहे आपको लेटर भेजे, अब तो व्हाट्सएप वगैरह चलता है, अलग बात है, फ़ोन चल रहे हैं, लेकिन पहले क्या होता था, सपोज अगर उसको नीड हुई कि मैं नहीं आ सकता, तो वो आपका ये एड्रेस देख के आपको भी तो भेज सकता है वापस, ठीक। ये रूल्स होते हैं। अब यहाँ पे आप गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग कुछ भी भेज सकते हो, लेकिन नमस्ते एक ऐसा वर्ड है कि हर किसी के लिए अपन लोग यूज़ करते हैं। तो ये आप कैसे करना है? बाय द फेवर ऑफ गॉड, ये टिक लगा हुआ है ना, ये अंडरलाइन है, देखो, बाय द फेवर ऑफ गॉड, कितने शब्द हो रहे हैं? शब्द फाइव हो रहे हैं, बाय द फेवर ऑफ गॉड, सही है, कंफ्यूज नहीं होना है, तो आपको बता भी फिंगर भी कर रहे हैं ना, बाय द फेवर ऑफ गॉड, याद हो गई, बाय द फेवर ऑफ गॉड, यानी कि भगवान की कृपा से, हिंदी में जो बोलते हैं ना, उसका मतलब हो गया बाय द फेवर ऑफ गॉड। आई एम क्वाइट वेल हियर भी सही है, आई एम ऑल राइट हियर भी सही है, तो आपको एक चीज कोई भी याद करनी है जो हमेशा यूज कर सकते हो, मतलब मैं यहाँ पर अच्छे से हूँ, यही बोलना है, आई एम क्वाइट वेल हियर। एक है आई एम क्वाइट वेल हियर, ये पहले वाली क्लास में सिखाया है, लेकिन इसमें क्या लिखा है? आई एम ऑल राइट, आई एम ऑल राइट हियर, मैं यहाँ पर अच्छे से हूँ। ये बॉयज भी लिख सकते हो और गर्ल्स भी, इंग्लिश में यही फायदा है, कम पढ़ो ज़्यादा बोलो, है ना। आई एम ऑल राइट हियर, एंड लगा देंगे बीच में, पॉज देंगे, यानी कि रुकेंगे थोड़ा सा, एंड, पांच पहले थे, पांच फिर से आ गए वर्ड, फिर आपका ब्रेक हुआ कैसे? एंड से, फिर से क्या बोलना है? होप द सेम टू यू देयर, और आशा क्या करता हूँ आप भी वहाँ पर अच्छे से होगे, एंड होप द सेम टू यू देयर। फिर इसके बाद इट इज अ मैटर ऑफ ग्रेट प्लेजर, इट इज अ मैटर, मैम बस 10 मिनट चाहिए पड़ेगा ना, इट इज अ मैटर ऑफ ग्रेट प्लेजर, इट इज अ मैटर ऑफ ग्रेट प्लेजर, कितने हो गए? 7 हो गए, तो कैसे याद करेंगे बोलेंगे साथ में, इट इज अ मैटर ऑफ ग्रेट प्लेजर, समझ आ गई बात, मतलब ये बहुत ही ज्यादा खुशी की बात है। डैट लगाएंगे बीच में, क्या लगाएंगे? द मैरिज सेरेमनी ऑफ माय एल्डर सिस्टर, द मैरिज सेरेमनी ऑफ माय एल्डर सिस्टर, द मैरिज सेरेमनी ऑफ माय एल्डर सिस्टर, इसमें भी 7 वर्ड हो गए, आगे बढ़ेंगे। इज गोइंग टू टेक प्लेस, इसका मतलब होने जा रही है, इज गोइंग टू टेक प्लेस, 5 फिर से आ गए, इज गोइंग टू ऑन द डेट, कोई भी मेंशन कर सकते हैं, जैसे 22 लिखी हमने, ऑन द
22nd ऑफ दिस मंथ, इस महीने की इस तारीख को। तो यहाँ पे देखो इज गोइंग टू टेक प्लेस ऑन द 22nd ऑफ दिस मंथ। समझ में आ रही बात? इतना हो जाएगा। इसके बाद हम लोग बताएंगे भाई इनविटेशन कार्ड अपन लोग भेज देते हैं ना, फिर भी बुलाते हैं लोगों को कि आना ही है। तो इनविटेशन कार्ड इज बीइंग सेंड टू यू, इनविटेशन कार्ड इज बीइंग सेंड टू यू, इज बीइंग सेंड टू यू, इज बीइंग सेंड टू यू भेजी चुके हैं। जैसे अपन लोग पहले कार्ड भेज देते हैं फिर फोन भी लगाते हैं। बट का मतलब लेकिन, आई वांट दैट यू शुड कम। हम लोग किसी को बुलाते तो कहते ना दो घंटे पहले तो आई जाना कम से कम, अगर आज के प्रोग्राम है। अगर हम लोग शादी बुलाए तो अपन लोग कहते ना कुछ दिन पहले आ जाना, तो क्या बोलेंगे? बट आई वांट दैट You should come without fail। मतलब मना नहीं कर सकते आप कि हम नहीं आ पाए, हमने सॉरी यार हम धोखा हो गया, ऐसी बात। तो विदाउट फेल, ठीक है? यू शुड कम विदाउट फेल एट लीस्ट अ फ्यू डेज बिफोर से बताना है हम लोग को, ये बताना है फ्यू डेज बिफोर द डेट ऑफ मैरिज। द डेट ऑफ मैरिज मतलब शादी के जो दिन है 22 बताया है, उससे 4-5 दिन पहले, 2-3 दिन पहले आपको आना जरूरी है। अब क्या बता रहे हैं, सपोज आपके दोस्त और भी होंगे ना, सहेली और भी होंगी, तो हम लोग क्या बता रहे हैं, तुम्हें आना है। कौन लिख रहा है लेटर, कौन लिख रहा है? राहुल। तो अपने दोस्त को लिख रहा है, नाम नहीं मेंशन है। आप लिख सकते हो अपना नाम, कुछ भी जोड़ दो भाई, कुणाल लिख दो। अब क्या बताओगे, दो दोस्त का और नाम बता दो। जैसे हम कहेंगे ना प्रतिया मैम भी आ रही है, राखी मैम भी आ रही है, तो यहाँ क्या बताया, अनिल एंड राकेश आर ऑल्सो कमिंग, अनिल एंड राकेश आर ऑल्सो कमिंग। इसमें वर्ड होगा 6, ऐसे लाइन याद कर लोगे। अब लास्ट में क्या बोलना है, आई शैल अवेट ठीक है, वेट कर रहे हो तो बहुत मतलब आपका वेट तो करते ही रहेंगे। लास्ट में क्या लिखेंगे, योर सिंसियरली राहुल। और ऐसे आप अपने दोस्त के लिए कैसे लिख सकते हो, योर मतलब जैसे भी आपको दोस्त को बोलना है कि योर बेस्ट फ्रेंड, आप भाई फ्रेंड हो तो फ्रेंड अकेले सिंसियरली और आपका नाम आ जाएगा। अंडरस्टूड? तो आज का काम क्या है, यू हैव टू लर्न दिस क्वेश्चन एंड आंसर बोथ, एंड ऑन मंडे आई विल टेस्ट यू। ओके? यस मैम। थैंक यू।